पूर्व शिक्षा मंत्री केदारनाथ कश्यप पखांजूर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने चुनाव को देखते हुए बूथ सशक्तिकरण विधानसभा स्तरीय बैठक का जायजा लिया। इस दौरान जब हमारे संवाददाता ने मंत्री केदारनाथ कश्यप से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं मौजूद हूं पखांजूर में। आपको बता दूं, पूर्व जो शिक्षा मंत्री है केदार कश्यप जी, उनका आगमन हुआ है पखांजूर में रेस्ट हाउस में, और चुनाव को देखते हुए सभी पार्टी नेताओं, बड़े बड़े दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। अंतागढ़ जो विधानसभा है हमेशा सुर्खियों पर रहा है, तो आइए सीधे बात करते हैं केदार कश्यप जी से। सर, आपकी मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। पखांजूर में आपका आगमन हुआ है, तो आपका मुख्य एजेंडा क्या? देखिए, अभी पूरे प्रदेश में जो बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमारे प्रत्येक बूथ में जो हम कार्यक्रम विभिन्न कार्यक्रम के प्रभारी बना रहे हैं, विभिन्न जो 11 हमारे कार्यक्रम हैं, उस पर हम बूथ के अध्यक्ष हैं, सचिव हो जाएंगे, जो इस तरह के कार्यक्रम तय हुआ है। उसके साथ साथ हमारे मन की बात और सब कार्यक्रम भी हो रहे हैं। हमारे ख्याल से हैं जो बूथ को देखने वाले जो शक्ति केंद्र के प्रभारी चुनाव में क्या क्या रणनीति रहेगी आप लोग? देखिए, चुनाव में जो मुद्दे हैं वो प्रदेश मुद्दे तो है ही, और जन घोषणा पत्र लगाया था, ये जन घोषणा पत्र का एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। आज उसके कारण से इनके अलग अलग जो बयान आते हैं, और स्थिति ये निर्मित हो गई है कि अब ये राहुल गांधी को लाकर के एक बार उन्होंने बड़ा झूठे कसम दिखा दी, गंगा जल के को हाथ में लगा के, अब प्रियंका वाड्रा को लाकर के यहाँ के लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को लेकर के और जो लगातार जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जितने भी योजना इन्होंने लॉन्च किया है, उस योजना में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, कमीशन बारी की जा रही है, उसको लेकर के हम जनता। अच्छा, अभी लगातार मंजूराम द्वारा जो पखांजूर क्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुटबाजी की एक बात आ रही कि भाजपा में आपस में गुटबाजी है, इस संबंध में क्या? नहीं, भाजपा में गुटबाजी नहीं है, भाजपा में दावेदार है, और जिस पार्टी का वर्चस्व होता है वहाँ पर दावेदार होते हैं, क्योंकि लगता है कि पार्टी है कुछ देने वाली है, कुछ करने वाली है। जिस पार्टी से कोई उम्मीद ना हो तो वहाँ पर न गुटबाजी होगी, न उनमें क्या कहते हैं दावेदार होंगे। तो जो जो लोग कहते हैं खत्म हो चुके हैं, वो क्या कहते हैं एक बात कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपना स्तर को ऊंचा किया है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज सबसे बड़ी पार्टी है, तो सबके जो अपेक्षा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े, तो यहाँ पर कोई गुटबाजी की स्थिति नहीं है। हाँ, लोग चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और जुड़ करके वो देश की सेवा में आगे बढ़े। क्या लगता है आने वाले चुनाव में अंतर्गढ़ विधानसभा में क्या स्थिति होगी? अंतर्गढ़ चुनाव तो हम जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने यहाँ के लोगों के साथ में वादा किया, लोगों का विश्वास को तोड़ा है, वो जनता समझ चुकी है, और अब इनका कोई भी दाव कोई भी पैतरा इस क्षेत्र में नहीं चल रहा है। ये थे हमारे साथ केदार कश्यप जी, और इनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले चुनाव में इनकी जो भारतीय जनता पार्टी की जो मुद्दे हैं, विभिन्न मुद्दे और विभिन्न मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। कैमरामैन सुजीत के साथ विधान मिली इंडिया न्यूज़।